करते हैं खबर का। गोवा फिल्म फेस्टिवल से लौटे कैलाश खेर बुधवार को उदयपुर में थे। सूफी गायक कैलाश खेर ने संगीत की खूबियों को बताते हुए कहा कि संगीत ही ऐसी साधना है जो खुदा से जोड़ती है। उन्होंने कसाब को फांसी दिए जाने पर भी कहा कि इंसाफ हमेशा सच्चाई का साथ देता है। संगीत सिर्फ गाना और मनोरंजन ही नहीं है, संगीत एक व्यक्तित्व, एक जीवन शैली, एक आचार विचार, एक सदाचार, एक जीने की तरीके का नाम है। और कला और साहित्य और संगीत, ये तीनों ही आपकी जीवन शैली का बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब होते हैं। आपका हृदय कितना करुणामय है ये बहुत जल्दी पता लगता है। एक आम आदमी के हृदय में और एक संगीतकार और कवि हृदय में जमीन और आसमान का फर्क होता है। कहते हैं हर हृदय में परमात्मा का वासा है। हमारी दृष्टि में बहुत परिवर्तन आया है और युवाओं के लिए भी अच्छे गाने भी हैं। अगर आप जैसे गानों का आप उदाहरण दे रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही गाने तो नहीं है, दुनिया में अच्छे भी गाने हैं। और भी दुनिया में अभी ये भी एक गाना आया था कुछ ही दिन पहले, दिल तो बच्चा है जी, कितना भला गाना है, कितना सच्चा गाना है। तो इसी दुनिया में अमृत भी है, इसी दुनिया में विष भी है। बस यह आपकी अपनी अवेयरनेस पर है, आप पर कितनी कृपा है कि आप में तमीज कितनी डाली भगवान ने। मैं इस बात को बहुत पॉजिटिविटी से लूंगा कि हे मेरे ईश्वर, इतने लोगों की भक्ति का असर हुआ कि जिसने हमारे देश की शांति को भंग किया, हमारे देश में जुल्म ढाए और निर्दोषों को, मासूम लोगों को मारा, और उस बस उसके अंदर की पशुता जाग गई, जबकि उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसे में जैसे पागल कुत्ते को मारना ही उचित होता है, वो उसके भी हित में होता है क्योंकि उसको भी मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से जो ये निर्णय लिया गया है बहुत ही प्यारा निर्णय है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट से